इसका उत्तर हमारा, वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके समक्ष 11वीं वर्ग की केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए, और ये ऑब्जेक्टिव 50 की संख्या में है। तो इसका जो प्रथम प्रश्न है, कैथोड रेज आर फ्लो ऑफ, कैथोड रेज प्रवाह है, तो कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज किसका प्रवाह है? तो कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहते हैं। अगला प्रश्न, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंजिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट विल बी, एक एटम में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसका उस एलिमेंट की मास नंबर होगी, तो 19 और 20, इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है? अमोनिया NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी करता है, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है, ये इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हाइड्रोजन अपना आयन को शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ, तो ये आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, HCl है तो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल, तो इसमें से ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पोलर मॉलिक्यूल है, P+EN²/V² ∗ B−NB=nRT, ये किसका सूत्र है? तो इसको हम वैंडरवाल इक्वेशन कह सकते हैं, यह वैंडरवाल इक्वेशन का सूत्र है। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में निहित कुल ऊर्जा है, तो किसी भी सिस्टम में निहित कुल ऊर्जा को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, इसका उत्तर हमारा इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, किसी भी मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वास्तविक मान होता है, तो 9.1 × 10⁻³⁻³ के जी होता है। बोर थ्योरी के अनुसार चौथी कक्षा में एंगुलर मोमेंटम होगी, तो 2:2 h/π होगी। अगला प्रश्न हमारा जो है, वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज, स्पिन क्वांटम नंबर का मान है, तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान ±1/2 होता है, तो इसका मान जो हमारा हो जाएगा ±1/2। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल इज, तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या होती है, तो 8 हो जाएगी इसकी। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂, किसका सूत्र है? तो इसको हम कह सकते हैं कंबाइंड गैस लॉ का। ये जो प्रश्न हमारा है, इसका उत्तर आ जाएगा कंबाइंड गैस लॉ। द एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, ऑल सभी तत्वों का स्टैंडर्ड अवस्था में कुल इंथैल्पी होती है, तो उसका उत्तर हमारा हो जाएगा 0। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन को हम अल्कालाइन कहते हैं।
तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अल्कालाइन एसिडिक सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिड होता है, 7 के बराबर जो होता है उदासीन होता है, और 7 से अधिक जिसका मान होता है वो क्षार होता है, बेस। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच मान लेस देन 7 होता है। कंप्लीट सिंबल ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक मास 35। यदि किसी एक पूर्ण प्रतीक है एक परमाणु का जिसके परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो परमाणु संख्या 17 क्लोरीन की होती है और उसका द्रव्यमान संख्या 35 होती है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा क्लोरीन विच एटम इज इंडिकेटेड द कन्फिग्रेशन एच ई हीलियम 2s1 1s2 2s1। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम जो है इसका रासायनिक लिथियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एल्कली मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स किस समूह से जुड़े हैं। तो ये एल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न हमारा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ थर्ड एल्कली मेटल इज, तीसरा एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो तीसरा में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थर्ड एल्कली मेटल हमारा पोटेशियम होता है जिसका रासायनिक सूत्र के होता है। इसका परमाणु संख्या 19 होता है। तो इस प्रकार इसका जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 2p6 3s2 3p6 4s1। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3। अमोनिया में लोन पेयर की संख्या है, तो अमोनिया में लोन पेयर की संख्या 1 होती है। PV इक्वल टू NRT किसका सूत्र है, तो PV इक्वल टू NRT जो है आइडियल गैस सॉल्यूशन का सूत्र है। अगला प्रश्न हमारा है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर अ डायबिटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, फ्रॉम द प्रोसेस टू अकर अंडर अ डायबिटिक कंडीशन के अंतर्गत प्रक्रिया वास्तविक क्रिया जो होती है सही क्रिया है। अ डायबिटिक कंडीशन के अंतर्गत घटित होने वाली क्रिया है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा Q=0 हो जाएगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अनुसार डेल्टा जी किसके बराबर होती है, तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। अगला प्रश्न होता है हमारा है कि CO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, CO2 में ऑक्सीजन की, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा -1। अगला प्रश्न हमारा है इन द रिएक्शन CA कैल्शियम ऑक्साइड की जब अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो X+2NaCl का निर्माण होता है। तो X क्या है, तो X यहाँ हमारा जगह कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, तो सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इन C12H22O11 इज, तो C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 0। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, लाइमस्टोन मतलब चूना, काली चूना। लाइमस्टोन का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3O × 2H2 किसका सूत्र है, तो बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का ये अयस्क है। फॉर्मूला ऑफ हेक्साबोरेन, हेक्साबोरेन का सूत्र है, तो हेक्साबोरेन का सूत्र B2H6 हो जाएगा।
हेक्सावरण का सूत्र हमारा हो जाएगा B2H6। पोटेशियम क्रोमेट में क्रोमेट की ऑक्सीकरण संख्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन केटो Cr(O4)। तो इसका सूत्र हमारा हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट में क्रोमियम की संख्या जो हो जाएगा +6 हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन मेटल। तो बेरिलियम, इसका सूत्र हमारा जगह Ba। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए कॉमन सॉल्ट, कौन किसका प्रयोग हम सामान्य रूप में खाने वाले नमक के सामान्य नमक के रूप में करते हैं, तो NaCl खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। विच गैस इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, गैस इज ए मिक्सचर वाटर गैस किसका मिश्रण था, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण है, CH3CH2CH2CN। तो किसका इसका सूत्र यूपीएक नेम होगा, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो इसका सूत्र हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर। 5 कार्बन तो पेंटेन, सी ए और एन लगा था नाइट्राइल, तो पेंटेन नाइट्राइल। अगला प्रश्न हमारा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है नॉन मेटल लेकिन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, तो Na2B4 और Na2B4O7×10H2। ये बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, लेकिन यहाँ पर एक और भी दिया हुआ जिसे हम एक्टिनियम कहते थे, यह एक्टिनियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, वाशिंग सोडा सूत्र है किसका, तो वाशिंग सोडा का सूत्र इसमें कौन है, Na2CO3×10H2O। यह वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेंजीन में अगर NO2 लगा होता है तो किसका सूत्र है, तो इसको हम NO2 रहेगा तो नाइट्रो और बेंजीन रहेगा तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यूपैक नेम ऑफ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CO CO, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। तो इसका हो जाएगा पेंटानोइल क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र हमारा जो हो जाएगा यूपैक नेम पेंटानोइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, इथाइन इज फाउंड, इथाइन का निर्माण होता है, तो इथाइन का निर्माण कैसे होता है, तो जब ब्रोमो इथेन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो इथाइन का निर्माण होता है। तो इसमें उत्तर हमारा जो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br8 विथ अल्कोहलिक KOH 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन ओजोन परत के डिप्लेशन या ओजोन परत के में छिद्र होने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो ये CF2Cl2 इसमें से ओजोन परत में छिद्र होने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो तो उसका रासायन किसका सूत्र हो जाएगा, तो बेंजीन के साथ अगर CH3 अटैच होगा तो वो टॉलुइन हो जाता है और टॉलुइन का रासायनिक सूत्र होता है।
CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH CH3 में मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की संख्या है, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या हमारा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पृथक्करण और शुद्धिकरण के सबसे बेस्ट तरीका को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड BR+ 2Na+ BR बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 की अभिक्रिया अगर ड्राई इथर की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया थी, इसको हम वर्ज रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब एथीन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ 333 केल्विन के ताप पर पास कराया जाता है तो कौन सा तत्व बनता है, तो CH3CO बॉन्ड H का निर्माण होता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इन फ्राइडलक्राफ्ट एसिलेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द अदर रिएक्टेंट्स। फ्राइडलक्राफ्ट एसिलेशन के अलावे एल्यूमिनियम क्लोराइड का दूसरा अभिकारक है, तो इसका हो जाएगा बेंजीन और प्लस इथेनॉइल क्लोराइड, तो बेंजीन प्लस इथेनॉइल क्लोराइड का सूत्र हमारा हो जाएगा C6H6 से बेंजीन का सूत्र हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड का CH3COCl। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें से कौन इनमें से कौन इनमें से कौन ग्रीन हाउस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, N2O ग्रीन हाउस गैस, CH4 मीथेन भी ग्रीन हाउस है। इस इन तीनों से वायुमंडल का की में गर्मी बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। अगला जो प्रश्न था हमारा प्रश्न है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये किसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका रासायनिक मिथे इथे प्रोप, तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र, जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन अंतिम का, तो इसको हम लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। आज मैंने आपके समक्ष 11वीं बार की केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो MCQ है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उसे रखा, आने वाले दिनों में और भी प्रश्न आपके समक्ष रखे जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे।